बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कॉन्सेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ बच्चों, सबक हम पढ़ रहे थे पाकिस्तानी कौमियत का मसला, और ये लिखा हुआ है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का। सफ़ा नंबर 25 से हमने पढ़ना है, पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके, दूसरे से हम शुरू करेंगे। कोशिश करूँगा सबक मुकम्मल हो जाए, ना हो सका तो गली किसी क्लास में। तवज्जो से पढ़ें, अल्फाज के मानी बोर्ड पे लिखता हूँ, ये ज़बानी बताता हूँ, आपने वो अपने पास नोटबुक पे तहरीर करने हैं। तशरीह तलब बातें, कुछ सवाल जहन में पैदा होता है अपने पास नोट किया करें, और मीटिंग के दौरान जब हम मीटिंग करते हैं, लाइव क्लास हम लेते हैं, उस वक्त आप सवाल जवाब किया करें। तशरीह तलब कोई बात हो तो वो पूछ लिया करें, कोई आपके जहन में बात पैदा होती हो तो वो कोट किया करें, उसको मिलाया करें, बात में शामिल किया करें। सबक की तरफ आते हैं कि इस्लामियत और वतनियत में कोई तजाद नहीं, मुखालिफ नहीं है इस्लाम और वतन, बल्कि इस्लामियत की तकमील वतन से ही होती है। मुसन्निफ़ कहता है कि वतन तकमील के मानी मुकम्मल होना, कि इस्लामियत तब ही कायम रहेगी जब वो किसी वतन में होगी, यानी इस्लाम को कायम रहने के लिए वतन की ज़रूरत है। वतन और मुमलिकत के बग़ैर इस्लाम महज ख़्याली चीज़ और एक तरह की रहबानियत बन जाती है। रहबानियत का कोई वतन नहीं होता, ईसाइत है। रहबानियत इख्तियार करने वाले मर्द व ख़वातीन दुनिया को छोड़ देते हैं और सिर्फ़ अपने मज़हब यानी ईसाइत की पैरवी करते हैं, पैरोकारी करते हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, उनका अपना कोई वतन नहीं होता। इल्लामा इकबाल ने जिस वतनियत की मुखालिफ की है वो यूरोप की वतनियत है, नेशनलिज़म है, जिसकी एक मखसूस और तवील तारीख है, और एक लिहाज से यही वतनियत इंसानियत के लिए बेशुमार मसाइब का सरचश्मा है। मसाइब मुसीबत की जमा है। अगले पैराग्राफ हम पढ़ चुके, मालूम नहीं किसने बेख्याली में ये बेपर की उड़ा दी कि इकबाल सिरे से वतनियत के मुखालिफ थे। इकबाल अकायद और वतन की वहदत में एक गहरा अकीदा रखते थे, और वो वतन के सिर्फ उस तसव्वुर के मुखालिफ थे जिसकी बुनियाद मगरिब ने छोटे छोटे नस्ली तासुबात और मादा परस्ती की तफरीक पर कायम की थी। ये नस्ली तासुब, नस्ल क्या है वहाँ पे, जैसे हिंदुओं के यहाँ चार जमातें हैं, सबसे बड़ी जो आला जात का हिंदू है ब्राह्मण कहलाता है, उनको हुकूमत करने का हक है, वो किसी पर कोई भी हुक्म चला सकते हैं, फिर खिश्तरी हैं, फिर वेश हैं, फिर शूदर हैं। शूदर को सबसे निचले दर्जे का शहरी समझा जाता है, उनको ब्राह्मण के इबादत खानों में इबादत करने का हक भी नहीं है। तो यही हाँ वहाँ भी थी कि जो लॉर्ड्स थे वहाँ के बड़े बड़े, उन लोग नस्ली तासुब, ये काला है इसको ग़ुलाम बना लो, ये सफ़ेद है इसको मुरानी का कासिल है, इस तरह का जो नस्ली तासुब है, और मादा परस्ती की जो तफरीक है कि पैसे चंद लोगों के हाथों में सिमट गए, इस बात के इकबाल मुखालिफ हैं। जिस पर नसरी कौमियत उभरी, फिर ये छोटे छोटे नस्ली अकवाम एक दूसरे से लड़ने पिड़ने लगी। ये इस पर जब वो काम शुरू हुआ, नस्ली तासुब पैदा हुआ, तो छोटे छोटे अकवाम जो हैं ये एक दूसरे के साथ लड़ने लगी, और मिलिटरिज्म की वो शक्ल पैदा हुई कि दुनिया में दो खौफनाक जंगें हों। तो ये एक मुस्तकिल वबा की सूरत इख्तियार कर गई ये लड़ाइयाँ, और आखिरकार दुनिया में दो खौफनाक जंगें हुईं और इंसानियत के बड़े बड़े मसाइब के लिए बायस हुई, इनमें लाखों लोग जो हैं वो मारे गए। बाज़ लोग बदयानती से या सादगी से पाकिस्तान में अब हुब्बुल वतनी के पर्दे में, वतन से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी के वानी वतन से मोहब्बत के पर्दे में इलाका परस्ती की तहरीक चला रहे हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, फलां 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 फलां। मगर ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि इलाका परस्ती और वतनियत में बड़ा फ़र्क है।
इलाके एक मखसूस इलाके के लोग जब अपने ही इलाके की वो प्रमोट करना शुरू कर दें, करना चाहिए मादरी ज़बान को भी, लेकिन वतन के कह लें कीमत पर नहीं, पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। यूँ आम हालात में किसी शख्स का एक ख़ास इलाके से मोहब्बत रखना या इससे मुतालिक अच्छे जज्बात रखना बिल्कुल फितरी अमर है। अपने इलाके से हर शख्स को मोहब्बत होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर इस इलाकाई मोहब्बत का वतन के वसी मफादात से टकराव नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वतन की बात आई, जहाँ पे पाकिस्तान की बात आई, वहाँ पे कोई सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून, गिलगित्ती, कश्मीरी नहीं है, वहाँ सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। वरना इलाका परस्ती एक ऐसा मर्ज साबित हो सकता है जो वतन अजीज़ की हस्ती के लिए ख़तरनाक होगा। सारे लोग अगर ज़ुबान की बुनियाद पर और इलाके की बुनियाद पर अपने इलाकों को प्रमोट करना शुरू कर दें या अपने इलाके को वतन पर तरजीह देना शुरू कर दें, तो फिर जो वतन का तसव्वुर है वो ख़त्म हो जाता है और वतन को नुकसान पहुँच सकता है। इस किस्म की इलाका परस्ती को मैं पाकिस्तानी कौमियत का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता हूँ, जिसमें अगर कोई शख्स कौमी वहदत, वहदत के माने इकाई, इकट्ठ, पारा पारा करना, तोड़ देना, अलग अलग कर देना, वहदत के मैंने इकट्ठ लिख लें, इकाई लिख लें, इकट्ठ लिख लें, दोनों ठीक हैं। पारा पारा करना माने रेजा रेजा करना, तोड़ देना। वाली इलाकाई वफादारियों का इतना पाबंद और आदी हो जाए कि खित्ते पर कौम ही को कुर्बान कर दे, वही बात जो मैंने पहले बयान की, अपने खित्तों से मोहब्बत करना, अपनी ज़बान से, सकाफत से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मुल्क की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सी नस्लें आबाद हैं और बहुत सी ज़बानें बोली जाती, इन नस्ली ग्रोहों में बहुत सी खूबियाँ हैं और इन ज़बानों के अदब में भी हमारे लिए बहुत सा काबिल कदर सरमाया फ़िक्र व तहज़ीब मौजूद है। यही बात जो मैं कर रहा था वो मुसन्निफ़ ने दोबारा से कर दी कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमारे यहाँ ना सिर्फ मुख्तलिफ़ ज़बानों में एक अजीम सरमाया अदब मौजूद है, उसमें शायरी मौजूद है, उसमें नसर मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत सारा काबिल कदर है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, मगर मुल्की कौमियत हर शोबे के हर खित्ते के लोगों से ये कुर्बानी मांगती है कि वह अपनी सलाहियतों और काबिलियतों को खित्ते की खिदमत करते वक्त भी को वसी तर कौमी नुक्ता नज़र के ताबे रखें, अपने झंडे को पाकिस्तान के झंडे से नीचे रखें, चाहे वो पीपल पार्टी का झंडा हो, चाहे वो नून लीग का झंडा हो, चाहे वो PTI का झंडा हो, जमात इस्लामी का झंडा हो, पश्तून बेल्ट का झंडा हो, पंजाब बेल्ट का झंडा हो, सिंधी होने का झंडा हो, सरायकी होने का, पटवारी होने का, पहाड़ी होने का, हिंदको होने का, बरोही होने का, कोई भी झंडा है कौम का, उसको पाकिस्तान के झंडे से बहरहाल नीचे रखें। वरना डर है कि किसी कमज़ोरी के वक्त ये किसी गैर मुल्की साजिश या अकीदे से मुतासिर होकर यह खित्ता परस्ती पाकिस्तान के शिराजे को मुंतशिर करके उसकी वहदत को बिल्कुल मिटा ही ना दे। शिराजा के मानी इकट्ठ को कहते हैं, जुड़ा हुआ, मुत्तहिद भी लिख सकते हैं आप इसके मानी, मुंतशिर, इंतशार फैलाना, एक दूसरे से मुतनफ़िर करना, जो कि हमारे यहाँ इंडिया बड़े ये काम बड़े मुद्दत से कर रहा है, कभी बलूचिस्तान तोड़ने की साजिश करता है, कभी सिंधियों को तहरीक को हवा देता है, कभी पश्तूनों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काता है। हमने ये काम नहीं होने देना, अगर हम इलाकाई परस्ती पे तुल गए तो फिर दुश्मन अपने मज़मूम इरादों में कामयाब हो जाएगा। यहाँ बहुत से लोग मकामी ज़बानों की मोहब्बत का वास्ता देकर खित्ते का तासुब उभार रहे हैं, दूसरी ज़बानों से नफरत करना, पंजाबी ये पंजाबी है, पंजाबी बोलता है हमारे ख़िलाफ़ है, ये पठान है पश्तो बोलता है हमारे ख़िलाफ़ है, ये सिंधी है इनकी सकाफत ही अलग है, ये हमारे ख़िलाफ़ है, ये बलोची है, ये पाकिस्तान को हमें पंजाबियों को अच्छा नहीं समझते, मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो तासुब है ज़ुबान की बुनियाद पर,
اس کو غیر لوگ ہوا دے کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ہم نے سازشوں کا شکار نہیں ہونا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تاریخ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ عام سی بات ہے، دفع کرو۔ مگر ہر ذی فہم سمجھدار باشعور بھی لکھ سکتے ہیں آپ، عقل مند بھی لکھ سکتے ہیں، آدمی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کے لسانی تحریک، زبان کی بنیاد پہ چلائی جانے والی تحریک، لسان زبان کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، دراصل نسلی تحریک ہے۔ ایک قوم کو، ایک ایسی قوم کو جو ایک ہی زبان بولتی ہے، اس کو پاکستان سے الگ کرنے کی یہ سازش ہے، اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں کہ دوبارہ سے تبدیل ہو جائیں، اور جو پاور میں لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جاگیردار، نواب اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خناس آج بھی سمایا ہوا ہے، اور یہ ان کی بدبختی کا مظہر ہے کہ وہ پاکستان کو توڑ کے ایک چھوٹی سی ریاست کے بادشاہ بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی دانست میں، میری سوچ میں، دانست کے معنی سوچ میں، علاقائی زبانوں کی تحریک کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں بھی دیکھتا ہوں، علاقائی زبانوں کی پروموٹ آپ کریں، صوبائی لیول پہ آپ پڑھائیں، آپ اپنی زبان کو ترقی دیں، ادب چھاپیں، لکھیں، شاعری کریں، کوئی میں مانے اتنے، لیکن اس میں اگر آپ اپنی زبان کو بہتر سمجھ کے اردو کے خلاف بات کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف تعصب کا اظہار کرتے ہیں، تو میں ایسی لسانی تحریکوں کو خلاف ہوں، اور اس کو کچل دے، بزور طاقت کچل دینے کی حق میں ہوں، اور اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے، اور مقامی زبانوں کو ترقی کے ہر منصوبے کے پس پردہ محرکات کا جائزہ بھی لیتے رہے، کہ جو لوگ اس زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے دراصل ان کی اس کوشش کے پیچھے اس کو تحریک دینے والا کون ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ میں پاکستان میں علاقائیت کا اس لیے بھی مخالف ہوں کہ پاکستان کے قیام کے وقت اس علاقائیت کا کوئی سوال نہ تھا۔ جب پاکستان قائم ہوا تو علاقائیت کا کوئی سوال نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ پاکستان چاہتے تھے کہ مسلمان جہاں پہ موجود ہیں، مسلمانوں کی وحدت جہاں پہ موجود ہے، وہ مسلمان ہی چاہتے تھے کہ جن علاقوں پر مسلمان اکثریت ہے وہاں پہ پاکستان قائم کیا کر دیا جائے۔ اس وقت کوئی پٹھان، پنجابی، سندھی، بنگالی نہیں تھا۔ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی احساس پر قائم نہیں ہوا، وہ تو اس تاریخی حقیقت پر قائم ہوا ہے کہ مسلمان آنے ہندوستان کو صرف پٹھان یا پنجابی یا سندھی، بنگالی یا بلوچ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت، مشترکہ روایات اور دین و مذہب کو برقرار رکھنا، برقرار اور محفوظ رکھنا مقصد تھا۔ اسی طرح قیام پاکستان کے وقت پنجابی، پشتو، سندھی وغیرہ کے تحفظ کا کوئی سوال نہ تھا، بلکہ سارا سوال یہ تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانان ہند کی تہذیبی زبان کو سخت خطرہ ہے، اس کو بچایا جائے۔ جس وقت پاکستان قائم ہوا اس وقت کسی علاقائی تعصب کی کہیں سے کوئی گونج نہیں تھی۔ بعد میں کچھ نادان لوگوں نے، کچھ نادان دوستوں نے اس بات پہ زور دیا اور اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ علاقائیت کو فروغ دیا جائے، جو کہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور یہ بات کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی شخص لسانی بنیاد پہ، نسلی بنیاد پہ اپنی سوچ کو، اپنی باتوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ
इस बात का पता चलाया जाए कि इस नस्ली तासुब के पीछे, इस लिसानी तासुब के पीछे कौन लोग हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं। क्या कहीं ये दुश्मन मुल्क की चाल तो नहीं, कहीं दुश्मन हमें, हमारा जो शिराज़ा है, हमारा जो इत्तेहाद है, उसको तोड़ना तो नहीं चाहता, उसको पारा पारा तो नहीं करना चाहता। इसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आज का सबक यहाँ पे बेटा होता है मुकम्मल, दो पैराग्राफ रह गए, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस सबक की मश्क भी करवा दें। तो वक्त की कमी के बाद सबक मुकम्मल नहीं हो सका, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुकम्मल हो जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।